कब किया था ये? रात को, कल ही रात को। किस टाइम? लड़की को कोई भी फर्क नहीं है मेरे हाथ कटने से, या मैं मर भी जाऊँ ना कभी, जब भी इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जान दो तो भाई, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ भाई, मेरी तो जान, जान मैं दे दूंगी। तुम क्या छा रहे अभी हो? भी तुम वो करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। आओ, अरे आओ। मेरी तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जी कब किया था ये? रात को, कल ही रात को। किस टाइम? किस टाइम? 11-12 बजे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों को बहुत ही खतरनाक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप डेली का अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अभी आप लोग जाके साइन अप करते हो मेरे लिंक से, तो आप लोगों को 41 रुपीज का मिलेगा बोनस। तो भाई जल्दी से आके साइन अप कर लो, और आओ इसमें करना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो स्क्रीन पर ये देखिए, ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोनएक्स लेजेंड जो लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इसी में डेली का प्रॉफिट करता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं आप लोगों को पूरी चीज समझाता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आ जाएगा आप लोगों को। साइड में स्पिन का ऑप्शन है, स्पिन पे हमने क्लिक कर दिया। आप वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो हम विन कर चुके हैं, अभी लिखा हुआ भी आएगा। तो यस गाइज देख सकते हो हम मेगा विन कर चुके हैं। आगे अभी आप लोगों को दोबारा से स्पिन पे क्लिक करके दोबारा से खेल कर दिखाता हूँ। तो ये लॉस हो गया, चलो कोई नहीं, दोबारा से स्पिन पर क्लिक कर दिया आप देखते हैं। चलो कोई नहीं, दोबारा से क्लिक कर दिया आप देखते हैं। गाइज बस एक बार, बस इस बार हम बहुत तगड़ा प्रॉफिट करने वाले हैं। बस ये आ जाए एक बार, बस ये आ जाए। ओ बस लास्ट वाला गाइस, बस लास्ट वाला ये। यस गाइस देख सकते हो जैसा कि हम बिग विन कर चुके हैं। तो गाइस देख, आप लोग समझ गए और मैंने अभी कितना खतरनाक प्रॉफिट अर्न करा है। तो आप भी अर्न करना चाहते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो अभी गाइस शेडी वो फ्रेंड है, आपसे मिलने कब आएगा वो? कितने बजे? 11-12 बजे। क्या क्यों ना यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब कुछ ठीक हो जाता है फिर छोटी छोटी बातें घूम फिर के फिर वही सब कुछ बुरा हो जाता है। अब रिलेशन नहीं चल पाएगा ऐसे जल्दी, इसलिए हमारे रिलेशन में सबसे बड़ी चीज़ अब यही आ गई है कि अगर मैं गलती करूं तो तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे नाराज़ होगी, मैं तुम्हें एक दिन में दो दिन में मना लूँगा, है ना? मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा तो तुम भी अपने अंदर ये मन में होगा कि मैं मना लूँगी, है ना? लेकिन अब हमारे रिलेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई है कि बदला लेने वाली, रिवेंज लेने वाली। अगर मैं तुम पे कुछ मजाक करूँ तो तुम भी उससे नेक्स्ट लेवल का मुझसे बदला, मतलब कोई किसी को, मेरी सुन लीजिए पहले, अगर कोई किसी को गाली देता है ना तो वो चाहता है कि चार गाली दे। आपके अंदर ये चीज आ गई है। वीडियो डाली है? हाँ। कमेंट्स पढ़े हैं? नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊँ? पता है लोग सारे तुम्हें गलत बोल रहे हैं कि एक ने तो ये तक बोला है कि रीशो हमेशा इसको हर एक के आगे प्रोटेक्ट करते और ये हमेशा हर एक के आगे जलील करते हैं। सब्सक्राइबर तो हमारे फैन है, वो तो यही चाहते हो ना वीडियो आए जल्दी, हाँ या ना? हाँ, पता है हर कोई क्या मैसेज कर रहा है? आज के दिन में प्रैंक कर दिया, आज के दिन प्रैंक कर दिया जस्टिन के, इतने चीप। एक लड़के ने ये भी लिखा जस्टिन के इतने चीप वर्ड्स है, और इसकी रीशो की जगह मैं होती ना चार चाटे मेरी मरती नहीं है। कमेंट्स पढ़ो, सो तो वो सब्सक्राइबर कह रहे हैं मैं गलत हूँ, मैं नहीं है तुम गलत हो। हाँ मैं मान रही हूँ तुमने ये, तुमने ये चीज़ करके बहुत अच्छा काम नहीं करा, जब मैं हाथ खड़े करते फिर दो चाटे तुम पर लटके मर देते। आज तुमने क्यों काटा? जब तुम वीडियो डाल रहे हो तुम अपने एक बार कमेंट नहीं पढ़ सकते? कितनी बार बात ना इस बात की नहीं कि तुम मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे हो गंदे, बात है थोड़ा
उस टाइम पे शैडी पे था, और शैडी का छोड़ो वो वीडियो पब्लिक भी जाननी थी, तुमने कैसे एकदम बोला कि भीख मंगी है मुंह पे तुमने मेरे, सोचो वैलेंटाइन, चलो मैं कह रही हूँ प्रैंक कर रहे थे, मेरी गलती, वैलेंटाइन डे वाले दिन तुमने मेरे मुंह पे गुलाब का फूल फेंक के मारा, सोचो, और यूँ पूरा आंटी नहीं चाहिए है, और तुमने मेरे मुंह पे फेंक के मारा, और मैंने कुछ गंदा, मैंने क्या गंदा किया था, मैंने क्या गंदा करा था, मुझे इस बात का आंसर दे दो, मैंने आपको रोज दिया पब्लिक आप रोज पकड़ पब्लिक भगवान है ना, बस रोज पब्लिक भगवान है ना, उन्होंने बोल दिया सब, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल छोटा, हां तो बस दोनों के अंदर यही आदत है, मैं पर मेरे अंदर रिवेंज वाली बात है, मेरे अंदर वो चीज नहीं आई थी, मेरे को बुरा लगा, बहुत इंसल्ट हुई जब तुमने भीख मंगी वाला बोला, ठीक है, तुमने रोज क्यों करा, नहीं मैं पहले ये रोज का मैंने जो करा, तुमने रोज क्यों करा, फिर मैंने तुमसे बोला मैं सरप्राइज है ना, रोज दो, तुमने क्या बोला, अरे दिखा रही है, अरे बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है, मजाक था वो, तो वही कह रही पब्लिक सारे पता क्या कह रहे थे, चीप वर्ड से जैसे बोलता है मन करता जाके जाता लगा, तो ये नहीं कह रही यार, कभी कभार ना कुछ ना दिन मेरे बर्थडे वाले दिन तो मेरे पर ऐसा प्रैंक करोगे मेरा बर्थडे अच्छा जाएगा, बस ये तो बता जाएगा, ऐसे वैलेंटाइन डे होता है भाई, आई अभी एनिवर्सरी आ रही है, क्या फ़ायदा याद कर लिया, हाथ मेरा ऐसा बंद नहीं हो रहा है ना, अब ये भी तुमने लड़ाई के चक्कर में काटा है ना, ये दो कितने अब पहले लड़ाई होती थी ना, पहले तुम हाथ काटती थी, तो यार अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी लड़ाई, अगर मैंने हाथ दिया बिल्कुल, ये सच फैक्ट बता रहा हूँ कि अब तुम्हें हमारी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना काटा है वो फाड़ है ना, तुमने भी एक फाड़ा है ना, मतलब फाड़ दिया, चार टाके आए, दो इधर दो इधर, तो फाड़ा है तभी तो टाके आए ना, तो वही कह रहे हो ना, एक फटा हुआ है, दो फटा हुआ है, और आगे पूरे 34 कट है, इसका दर्द तुम्हारे दो वो झेल लेंगे, ये नहीं कह रही तुमने गलत करा, अभी भी आप नेक्स्ट लेवल का बदला ही लेते हो, आप बदला ही लेते हो, आपके मन में यही है के सामने वाला कुछ भी कर दे, लेकिन अगर उसने एक वर्ड गलत बोला तो मैं उसे 10 वर्ड गलत बोलूंगी ही, मुझे लड़ने की क्षमता नहीं, बताओ शैडी कहे, शैडी को बुलाओ, बुलाओ मैं क्या करूं, कोई फर्क नहीं, अरे पढ़ रहा है, मैं यही बताओ, ये हाथ तुमने काट लिया, ठीक है, टाके आए, अब वो जाएंगे, इतना बताओ मैं ऐसे क्या करूं जिससे ये जो तुम्हारा हाथ कटा हुआ है ये नॉर्मल पहले की तरह ऐसे, तुम्हें कोई फर्क नहीं है, क्यों नहीं पड़ता, तुम्हारी वजह से काटा, तुम मुझे हर्ट हुआ क्या, ऐसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार मेरी माँ को कॉल लगा के पूछो, आने नहीं देते, आज मेरी तबीयत की हालत देख के पता चल रही, आके तक निकल रही, पर मैंने बोला तो अभी भी यहाँ पर आके तुम आर्गुमेंट नहीं कर रही हूँ भाई, गलती समझा रही हूँ, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, मेरे को कोई शौक नहीं है लड़ाई बड़ाई करने का, मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, ले लूं गाइज, अभी भी यहाँ पर बैठने के बाद मैं इसे, इस लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं है मेरे हाथ कटने से, या मैं मर भी जाऊँ ना कभी, जब भी इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में भी ना ये बातें बता रही है कि उस दिन तुमने ये करा था वो करा था, अभी भी इसे कोई फ़र्क नहीं है भाई, बोलो बोलो कंटिन्यू, बात करो ना जैसे अभी कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल, मैंने तो क्या गलती बताई है, जो गलती है जिस वजह से हो रहा है, साहब बोले अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, तो भाई मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ भाई, मेरी जान जान मैं दे दूंगी, मैंने अभी बोला अभी तो है की मैं तुम्हारी गलती, पर मैं ये नहीं कह रही मेरी नहीं 100% ये नहीं कह रही 100% तुम्हारी, मेरी भी गलती है, पर भाई तुमसे प्यार करता हूँ, हो गई भाई गलती, लेकिन तुमने भी तो गलती करी है ना, और यहाँ पर आके भी तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाचू बातें ना करूं, नाचू गाऊं क्या करूं, तो नाचते गाते हुए तो आ रहे होगे पूरे रास्ते, अच्छी बात है काट लिया मर जाए, जैसे तुम बोल देते तो पहले मैं काट देती, जो भी यार ठीक है यार, बस देखो कोई भी गाइस इससे कोई भी फर्क नहीं है, हमारे कुछ भी हो जाने से, मेरे मरने से, मेरे जीने से कोई फर्क नहीं है, अभी आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, अभी शैडी आएगा, ठीक है, अभी सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आंसू गए अंदर, अभी आंसू गए तुम्हारे अंदर, समझ लो, अरे यार एक तो तुम ये ना नाटक वाली आवाज निकालो, मुझे पता है कि मुझे पता है जब तुम रोते कहते होते, तो हमने नाटक वाली आवाज निकालो, सबसे पहले तो आ जाओ,
बहुत दर्द हो रहा है यार, मेरे चार टाके आए हैं हाथ में, 10 टाके लगा के बैठी हूँ, क्या करूँ चाटा। अरे मैं क्या करूँ, अभी भी वो ही कर रहे हो कि मैं भी पूरा क्या करूँ, मैं करूँ क्या जब कट गया तो मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। अरे भाई मैं तो गलती कर देती हूँ, मैं यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर देती हूँ। अच्छा आ जाओ, अरे जब करोगी लड़ाई मैं नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, आओ। अरे मेरी गलती तो नहीं थी, दोनों अरे खोलू क्यों, पट्टी खोलो, अभी लड़ाई हो जाएगी, खोलू क्यों, मैं बोल रहा हूँ। क्या लोकल डॉक्टर से पट्टी बनवाई है क्या, उनकी जगह कम से कम ध्यान देने करो, अच्छा 10-10, 20-20 रुपए वाली पट्टी बनवा के आ जाओ, ब्लॉग ले ले। हाँ हाँ ब्लॉग तो पूरी जिंदगी चलेगी। तो गाइस देख सकते हो इसे भरोसा नहीं हो रहा इस लड़की को, अबे हटो यहाँ से, चलो तुम्हारी आदत है गंदा बनना, कोई भी भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा हाथ कटा है, इसे अभी भी शक हो रहा है मेरे ऊपर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी भी इसे ऐसे दर्द हो रहा। आराम से रिशु, आराम से पट्टी खोलने को खुद तो हल्के रिशु, हल्के रिशु, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे चिपका हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है रिशु, आराम से, अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना। कहाँ है टाके 60 टाके आए, दिख नहीं रहे, पहले गए हैं ये तो मैंने सच में नहीं काटा ना, मतलब क्या है ये कहाँ है? किसने बुलाया तुम्हें? बाप रे मैं बहुत, किसने बुलाया तुम्हें? रात को तुम बहुत रो रही थी, अब क्या हुआ, अब रो ना, अब तो मुझे लग रहा है फेस टू फेस तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे घर जाना, वो तो मैं दिखनी, अरे बंद कर दो, मैं फिर लड़ाऊं जो, हाँ बोलो, अरे यार मत करो यार, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूं आज, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो अभी भी इरिटेट हो रही है, मत किस, देखो ये किस, यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया था, मुझे भाई में यार किसने बुलाया था मुझे ये बताओगी, किसने बुलाया था, चाटा उठ जाएगा, देख लो आप ऐसा बोलोगी, किसने बुलाया था तुम्हें, किसने बुलाया था तुम्हें, किसने बुलाया था यहाँ पर तुम्हें, देखो फिर अब इरिटेट फेस बना रहे हो, अब मैं मजाक कर रहा हूँ ना, मैंने खुद बताया ना, मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो, ठीक है। तो गाइज अभी शेडी को कॉल कर लेता हूँ, उसका कोई फ्रेंड आया था उससे मिलने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया, मुझे लगा कि वीडियो के बीच पर आ जाएगा, मैं उसी का वेट कर रहा था, बट वो आया नहीं, पता नहीं कहा, तो मैं कॉल कर लेता हूँ, देन आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, सभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ भाई 60 टाँके आए हैं मेरे, पता है तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, एक और चीज दिखाऊं, नहीं मुझे घर छोड़ दो, एक और चीज दिखाऊं, मैंने सामने भी कैमरा लगवा रखा, देखा वहां पर, देखो हाँ तुम्हारे पास आज चश्मा नहीं है, दिख नहीं रहा होगा, चलो हाय कर दो, हाँ मेरा हाथ ही अलग छोड़ो, हाँ हाय, तेरे को घर छोड़ गया हूँ, मतलब तब हाँ, शेडी आ रहा है, बात करेंगे, मुझे नहीं आना किसी के बाद, मुझे घर छोड़ गया कर रही हो,
मुझे घर जाना, मतलब अब लड़ाई नहीं है हमारी? अरे नहीं है, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे घर छोड़ो। क्या हुआ? मैं बहुत, मैं कल रात से बीमार हूँ, अपनी मम्मी घर, तो मम्मी नहीं आने दे रही थी, अभी मैं घर जाना है, सच में तबीयत नहीं ठीक है। चलो गाइस, अभी शेडी आ जाता है और आगे अभी जो भी करेंगे आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, और जो व्लॉग से आए हैं तो उनके, इनको थैंक यू, और जो अभी व्लॉग पे जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।